हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नेहा और मैं एक अकाउंटिंग ट्रेनर, ब्लॉगर एंड व्लॉगर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू अकाउंटिंग कंसेप्ट, वो है व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन होता है कि उनको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में फर्क नहीं समझ में आता। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो चेक करोगे तो आपको असेसमेंट ईयर डिटेल में समझ जाएगा, और इस वीडियो में आपको डिफ्रेंशिएट होगा कि एक्चुअल में फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस क्या है। तो द फाइनेंशियल ईयर इज द कैलेंडर ईयर इन विच यू रिसीव योर मनी। तो फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिसमें आप आपकी इनकम अर्न करते हो। ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च को। लेकिन आप जिस ईयर में आपकी इनकम कमाते हो, आपको आपकी मनी रिसीव होती है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। सो 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जो एंड होता है, वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर होता है। और दिस पीरियड इन विच द इनकम इज अर्न इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का अनादर नेम फिस्कल ईयर भी है, जो एक हम टैक्सेशन की लैंग्वेज में उसे फिस्कल ईयर भी कहते हैं। सो द इनकम टैक्स रिटर्न आर फाइल्ड एंड टैक्सेस फॉर अ कंपनी आर यूजुअली पेड इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके बाद हम उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, और जब हम ये इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, वो पर्टिकुलर ईयर को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। सो फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले आता है और उसके बाद आता है हमारा असेसमेंट ईयर। सो फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। अगर हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लें, तो अगर हम कंसिडर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23, सो 2022 और 2023 ये होगा एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, और 2023-24 मतलब 2023 और 2024 ये होगा असेसमेंट ईयर। सो एक होता है फाइनेंशियल ईयर, और जिसमें हम इनकम टैक्स रिटर्न उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की इनकम अर्न जो की है उसके रिटर्न बताते हैं, उसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। सो आई होप आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।